हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताहिर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं पैंट को नाप लेके पैंट को कटिंग कैसे करेंगे। ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप पैंट को कटिंग करने से पहले क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है। हमने कपड़े को प्रेस करके किनारे वाला हिस्सा, देखिए किनारे पूरी मिला के एक बराबर हमने इस तरफ अपनी तरफ रख लिया है। जब आप कटिंग करेंगे तो अपनी तरफ आप किनारे रखेंगे और साथ ही दोस्तों इसे प्रेस कर लेंगे तो अच्छी कटिंग कर पाएंगे हम। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो पैंट आपको कटिंग करनी है उस पैंट को इस तरीके से लेंगे। और लेने के बाद दोस्तों, ये देखिए, ये आपकी क्रीज वाला हिस्सा है, आपको इस तरीके से रखनी है पैंट। चाहे पैंट किसी भी नाप की हो, मैं सिर्फ आपको कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है और ऐसे नापने के बाद देखना है। तो हमारी जो पैंट की लंबाई आ रही है, ये आ रही है 33.5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, एक इंच छोड़ के, इस चीज़ का ध्यान रखें, एक इंच छोड़ने के बाद नीचे तक आएंगे और यहाँ पे 33.5 जो है यहाँ पे निशान लगा लेंगे। दोस्तों, लंबाई का निशान लगाने के बाद अब आपको इस तरीके से देखिए पैंट लेंगे अपनी, और ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक में इलास्टिक है, साइड में जिप लगी है। तो हम इसके पहले इतनी जिप खोल लेंगे इसकी। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस जगह से ये वाला जो हिस्सा है आप इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से देखिए आपका इतना बढ़ के आएगा ये पैंट में। तो यहाँ से बिल्कुल बराबर पकड़ने के बाद आप इंची टेप को ऐसे रखें और यहाँ से ऐसे नापेंगे हाफ में, तो ये आपका आ रहा है। दोस्तों, हल्का कपड़ा नम है तो ये आएगी आपकी 25 इंच की थाई इसकी। ठीक है, तो 25 इंच की आपकी थाई होगी तो आपका जो आसन होगा वो होगा 10 इंच का। एक इंच ऊपर छोड़ने के बाद यहाँ पे आप 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। और दोस्तों, इस तरीके से आपका ये 25 थाई के हिसाब से आपका ये फार्मूला निकल आएगा, 10 इंच आपको आसन इस तरीके से रखना है। और दोस्तों, अगर आप आसन के फार्मूले सीखना चाहते हो तो आई लिंक पर क्लिक करके आप ये सीख सकते हो। और साथ ही दोस्तों, जब ये दो निशान आप लगा लोगे तो इस निशान को और इस वाले निशान को हम फुट्टे से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, जितना आप मार्जिन देना चाहते हैं इतना मार्जिन भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारी सेफ पट्टी होती है, इसके बिना आप पैंट कटिंग नहीं कर पाएंगे। उसको आप इस तरीके से रखें, इतना छोड़ के आप इसको निशान लगा लेंगे ऐसे पहले। दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद आपकी 25 थाई थी तो आप यहाँ पे देखिए 12.5 इंच में यहाँ पे ऐसे करके निशान लगा लेंगे। और 12.5 पर निशान लगाने के बाद 12.5 का आधा 6.25 इंच आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों, 12.5 का आधा 6.25 पे आप जब निशान लगा लेंगे तो आपको यहाँ से इस तरीके से नापना होगा। किनारे वाले हिस्से पर देखिए 7 इंच आ रहा है आपका ये निशान, आप यहाँ पर 7 इंच ऐसे करके निशान लगाएँ। और इसी तरीके से दोस्तों, 7 इंच का निशान आप यहाँ पर लगा लेंगे। फिर सीधा फुट्टा लेने के बाद आप इस निशान से लेके इस निशान तक मिला लें बिल्कुल सीधा। तो ये देखिए दोस्तों, आपका ये जो निशान लगा है ये आपकी सेंटर क्रीज का निशान है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने नीचे की मोरी जो देखिए मोरी होती है, आपको ये नापना होगा ये कितनी है। तो हम ये नापते हैं, ये हमारी 5.5 इंच यानी कि यह है 11 इंच। तो 11 इंच अगर आपकी मोरी आ रही है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 5.5 इंच। तो ये देखिए 2.75 इंच आपको यहाँ पे निशान लगाना है इस तरीके से और 5.5 आपका ये आ जाएगा यानी 5.5 का आधा। ये देखिए, आप ऐसे करके करेंगे तो इंची टेप से 2.75 इंच आ गया। तो 2.75 इंच आप सेंटर क्रीज पे रखिए, इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। जब ये दो निशान लग जाएंगे फिर ये आप सेफ पट्टी लेंगे अपनी। इस सेफ पट्टी को देखिए, यहाँ से इसको ऐसे रखना है और नीचे वाले निशान पर मिला देना है और उसके बाद ऐसे निशान लगा लें। ठीक है, और फिर इस सेफ पट्टी को आप ऐसे पलट देंगे और तकरीबन इतनी नीचे से आप इसको ऐसे रखेंगे और नीचे वाले निशान तक मिला के निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले निशान को आप इतना तिरछा कर लें, ये फोल्ड करने के काम आता है, और ये वाले निशान को आप कर लेंगे सीधा। तो ये दोस्तों, नीचे तक तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से नाप के हिसाब से आप कटिंग करेंगे। अब मेन पार्ट आपको मैं बताता हूँ बेल्ट का। तो ये देखिए, हमने ये जिप को इतना खोल लिया, अब यहाँ से हम नापेंगे अपनी बेल्ट। तो ये देखिए, आप इसको इस तरीके से नापेंगे
तो ये देखिए 15 इंच आपकी बेल्ट आ रही है, यानी 15 इंच आ रही है, तो इसका आधा हम लेंगे क्योंकि फ्रंट वाला हिस्सा है, हम आधा लेंगे 7.5। तो ये देखिए 7.5 पे हम ये निशान लगा लेंगे। 7.5 के बाद 1 इंच का हम निशान लगाएंगे, जो हम दबाव लेंगे यहाँ पर और इस साइड में 1 इंच का दबाव हम यहाँ पर लगाएंगे, और 1.5 इंच का दोस्तों हम डबल में लेंगे, जो हम अपनी प्लेट डालेंगे यहाँ पर 4 इंच पर हम जो प्लेट डालते हैं, ठीक है। आपको टोटल 2.5 इंच, ये देखिए 2.5 इंच का एक्स्ट्रा लेना है, जो भी आपका नाप होगा। तो हमारा ये देखिए 15 इंच नाप था, तो उसका आधा 7.5 और 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया। फिर दोस्तों उसके बाद आप तकरीबन यहाँ से 1.25 इंच पे आप निशान लगा लें ऐसे, और इस निशान से इस निशान तक आप इसको ऐसे सीधा फुटा रख के मिला लेंगे, और यहाँ से आप राउंड दे देंगे इस तरीके से। दोस्तों कटिंग करने का फार्मूला आपका यही रहेगा बेल्ट का, जो मैंने बताया है। बेल्ट चाहे आपकी 40 कमर हो, तो आप जितना भी नाप आता है रखने के बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, आधा आधा इंच आपका यहाँ पे दबाव में जाएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये यहाँ से कटिंग होगा तो आधा इंच दबाव यहाँ पे जाएगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा, तो 1 इंच हो गया। और आपका यहाँ से इस तरीके से देखिए ये प्लेट डलेगी, तो आपका 1.5 इंच यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हमेशा 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख के आप अपनी कमर का फार्मूला निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले ये सीधी कटिंग करनी पड़ेगी ऊपर की, फिर आप इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, फिर दोस्तों आप इस निशान पे से कटिंग करेंगे। दोस्तों जब ये कटिंग हो जाएगा तो ये वाले हिस्से पे आप यहाँ पे कट लगा लें सेंटर में, जहाँ प्लेट डालेंगे, और यहाँ पे निशान को इस तरीके से करने के बाद ये निशान आपका दूसरी तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आप निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये आपके इस तरीके से फ्रंट को आप कटिंग कर लेंगे, फिर आप इसको इस तरीके से देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और फिनिशिंग से रखने के बाद अब ये वाला जो दोस्तों हिस्सा है आपका, ये हिस्सा आपका इस तरीके से घूमेगा, देखिए इस तरीके से घूमने का। हम इसे अच्छी तरह बिछाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे कटिंग करेंगे आप। तो दोस्तों देखिए आपको इस तरीके से बिछाना है, फिर आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है। बैक वाला पल्ला कटिंग करने के लिए मेन आपका फ्रंट वाला पल्ला होता है, अगर ये आप काट लेंगे तो बैक पल्ले को देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे, और ओपन करने का नीचे की तरफ से आप मिलाएं, ये देखिए थोड़ा मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ, वरना आप बराबर से कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा उठा लेते हैं और किनारे से पहले इसको अच्छी तरह बिछा लेते हैं। जब ये आपका बिल्कुल टोटल एकदम बिल्कुल बैठ जाएगा चारों तरफ, तो आप इसको सबसे पहले फुट्टे को रख के इस तरीके सीधे फुट्टे को आप निशान लगाएंगे, एक दूसरा निशान आप लगाएंगे यहाँ पर, तीसरा निशान आप जो आपका नीचे वाला फोल्ड है यहाँ पे लगा लें, ठीक है। फिर आप यहाँ से देखिए तकरीबन 1.5 इंच का ये निशान यहाँ पे लगाएंगे, और 1.5 इंच का आप यहाँ पे लगाएंगे, और इस निशान को इस तिरछे में ही आप इसको इस तरीके से ले लेंगे। फिर दोस्तों आप 1.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे, और इसको ये सेफ पट्टी की मदद से नीचे तक मिला देंगे, जैसे हमने फ्रंट में मिलाया था। तो दोस्तों जब ये निशान आप लगा लेंगे, तब आपको क्या करना है, ये जो फ्रंट वाला पल्ला था हमारा ये वाला, आप यहाँ पे एक निशान लगाएं, और यहाँ पे फुट्टे को इस तरीके से रखना है। चाहे वो आपकी कोई भी पैंट आप कटिंग करें, हैवी साइज हो कोई भी साइज हो, आपको यहाँ से फुट्टे को सीधा रखना है, और इस तरीके से आपको ऊपर लेके जाना है। और यहाँ से तकरीबन आपको क्या करना होगा, इस साइज़ के अंदर हम यहाँ पर 2.25 इंच एक्स्ट्रा, ये देखिए यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इस तरीके से उठा के निशान लगा लेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों हल्का साइज़ है तो हमने 2.25 लिया है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता रहेगा तो 2.5, 3, 3.5, 4 इस हिसाब से आएगा आपकी थाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दोस्तों हिप का इसमें नाप ले सकते हैं, लेकिन आपकी थाई अगर ओके होगी तो आपको हिप के नाप से कोई लेन देन नहीं है, वो आपका इसी के अंदर आ जाएगा। और फार्मूलों के अंदर मैंने ये सब बता रखा है कि कितने साइज़ में आप कितना उठा के काटेंगे, तो जो पहले फार्मूले वाला लिंक था उस पर देख के ये सीख सकते हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल में मैंने बताया है। फिर जब ये निशान आपका पूरा लग जाएगा, तो इस निशान से देखिए आप इसको बिल्कुल इस तरीके से सेव देंगे, जैसे हमने फ्रंट में दिया था। अब आप इसे कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम ऊपर ही कटिंग करेंगे इसको तिरछी, फिर आप इसको बैक वाले पल्ले को इस तरीके से कटिंग करेंगे, और तकरीबन यहाँ से आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस निशान से आप इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों आपकी ये कटिंग होगी, आप इसे हटा दें इतने कपड़े को, तो ये आपकी इतना हिस्सा पैंट कटिंग होगी। तो दोस्तों जब आप ये देखिए आपका इधर का हिस्सा कटिंग हो गया, तो आप यहाँ से अब इस निशान पे पूरे नीचे तक कटिंग करेंगे।
तो दोस्तों देखिए आपका इतना कपड़ा बचेगा ही, आप इसमें पॉकेट वगैरह निकाल सकते हैं। और यहाँ से देखिए आप इसको इस तरीके कट लगा लेंगे, ये फोल्ड के हैं, एक कट आपका यहाँ पर आएगा और एक कट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए आपकी सेंटर की क्रीज है, आपका बैक पल्ला इतना उठा के हमने काट दिया है, ये आप यहाँ पे प्लेट डाल सकते हैं, ठीक है। 0.25 इंच की आपको इंचिटिव की जितनी प्लेट डालनी होगी। और ये कटिंग मैंने आपको बताई है इस पैंट के नाप के हिसाब से, ये आपकी कोई भी नाप हो आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। फ्रंट में जब आप ये बेल्ट तैयार कर लेंगे प्लेट वगैरह डाल के, जैसे इसमें ये प्लेट डली है इतनी, ठीक है, उसके बाद अगर आप बैक में इलास्टिक डालेंगे तो आपको जो इलास्टिक का नाप लेना है वो आपको यहाँ से जो जिप लगी यहाँ से नाप लेना है। तो आप इस तरीके से इलास्टिक को नापेंगे तो इलास्टिक हमारी आ रही है 12 इंच की, तो आप बैक में 12 इंच की इलास्टिक डाल देंगे तो ये आपकी पैंट बिल्कुल ओके बन जाएगी नाप के हिसाब से, ठीक है। आपकी जो ये बेल्ट है या 15 इंच तैयार कर लेंगे जो आपके यहाँ पे नापेंगे, और इलास्टिक आपकी 12 है तो 12 तैयार कर लेंगे इस नाप से। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और बाकी सब सेम है। और अगर आप ये बनाना पैंट नहीं आती आपको तो पैंट की वीडियो मैंने काफ़ी मतलब बनाई हुई है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके पैंट बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कटिंग की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।